आईपीएल का 13वां संस्करण यानी 13th सीजन ऑफ आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। सभी टीमें आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने पिच पर अपनी टीमों के साथ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। ऐसे में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए खर्चों में कटौती करने का फैसला किया है, यानी 2019 में चैंपियन और उप विजेता टीम को मिलने वाली इनामी धनराशि को पहले के मुताबिक इस बार आधा करने का फैसला किया गया है। बीसीसीआई के पत्र के मुताबिक खर्चों में कटौती की प्रक्रिया के तहत वित्तीय पुरस्कारों को दोबारा तय किया गया है। चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए की जगह 10 करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे। उप विजेता टीम को 12 करोड़ 50 लाख रुपए की जगह अब 6 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं क्वालिफायर में हारने वाली दो टीमों में प्रत्येक को अब 4 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार सभी फ्रेंचाइजी काफी अच्छी स्थिति में हैं। उनके पास अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रायोजन जैसे कई तरीके हैं। यही कारण है कि इनामी राशि को लेकर ये फैसला किया गया है। हालांकि आईपीएल की मेजबानी करने वाले राज्य संघ को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी दोनों 50 लाख रुपए का योगदान देंगे। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के मध्य स्तर के कर्मचारियों को पहले की तरह उन एशियाई देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई की यात्रा के लिए विमान का बिजनेस क्लास का टिकट नहीं मिलेगा, जहां उड़ान का समय 8 घंटे से कम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।